चुनाव लड़ रहे हैं अमरजीत पहलवान ने, तो आज के ये मिलनसार लड़का है। अच्छा जी। और हरेक के दुख सुख में शामिल रहे हैं और अच्छी पोजीशन में है, जो गांव में अच्छा समर्थन मिल रहा है। बड़ी आदमी है, समाज सेवी आदमी है, पहले थे भी। अच्छा। गरीब गांव ने इसका, जो हमारे सती बरादरी जो भाईचारा है, इसने हाथ लगा खड़ा कर रखा, इसने पार तारे नंबरदार है। हाँ जी। भाई कहते सरपंच का नंबरदार, गांव के मौजूद आदमी या मगिनती हो नंबरदार बता। बिल्कुल जी, बहुत ही सामाजिक है और बहुत ज्यादा सामाजिक है। अच्छा। और इस पर सरपंच बनने के बाद इस पर हर एक चौराहे पे कैमरा लगवाओगे, गांव में चोरी की बहुत ज्यादा जबरदस्त हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। इस वक्त हम महसवाल गांव में मौजूद है। यहाँ से जो सरपंच पद का चुनाव है उसके लिए चुनाव लड़ रही है महसवाल में। दो पंचायत है, महसवाल बावड़ा और महसवाल मिठाण। तो जो बावड़ा पान्या की पंचायत है वहाँ से सुमित्रा देवी चुनाव लड़ रही है, धर्मपत्नी अमरजीत पहलवान उनके। देखो भाई, कैंडिडेट्स हैं, चुनाव का समय, वोट मांगने जा रहे हैं, बीजी हैं, तो उनके हम कार्यालय में वहाँ उनका जो लड़का है अभिमन्यु वो हमारे साथ मौजूद है, उनके समर्थक भी मौजूद है, उनसे हम जाने। भाई अभिमन्यु, पहले तो ये बता दे आपकी मदर ने के निशान मिल रहा है और गांव में किस प्रकार आशीर्वाद मिल रहा है? सारे भैया ने राम राम, सारे गांव राम राम राम। मेरी माँ का निशान है नारियल का पेड़। गांव में किस प्रकार आशीर्वाद मिल रहा है भाई? सारे गांव ने मिलकर सब साथ दे रहे हैं। अच्छा, बात करी जाए पहले 36 बरादरी की, भाई 36 बरादरी में 36 बरादरी सारे सब एक हो गए, इकट्ठा सब समर्थन कर रहे हैं अपना। भाई के उम्मीद है गांव राम मौका देवत के करवाने की सोच रहे हो, गांव में के समस्या दिखाई दे रही है? गांव राम जो मौका देगा बना देगा तो भाई सारा बढ़िया काम करेंगे, पानी पूनी की जो समस्या है सारी अपने उसकी करेंगे। गली गाली आ गई और गली आ गई सारी। भाई तू युवाओं के लिए क्या सोच है तेरी? युवाओं की जित जो भी मदद करी जाएगी वो मदद करी जाएगी। और भी समर्थक हैं उनसे भी हम जान। क्या नाम है जी? सतपाल मलिक। मलिक साहब, ये बताओ जो युवा अपने चुनाव लड़ रहे हैं अमरजीत पहलवान ने, तो के ये मिलनसार लड़का है। अच्छा जी। और हरेक के दुख सुख में शामिल रहे हैं और अच्छी पोजीशन में है, जो गांव में अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा। 36 बरादरी में इसका अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा। और कामों के लिए भी हमने इनको बताया है, यो रास्ता जैसे काफी दिन से पड़ा है इसके बारे में भी बताया है। आगे भी बताया, शिविर का जो पेंडिंग काम काम गांव का पड़ा है उसको भी इसके बारे में बताया हमने। और जो गांव के खेतों के जो रास्ते पड़े हैं अधूरे उसके बारे में बताया, भाई खेतों का काम जो है। और जो पानी के पीने की समस्या है वो पंचायत लेवल पर सरकार के पास जाकर रिक्वेस्ट करे जो है, इसके बारे में भी बताया है। बाकी जो आप कैंडिडेट से पूछ लो। एक चीज और भी बता दो, पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं जी, पहलवान एक शरीफ कैटेगरी आ रहे, अरे पहलवान कुर्सी कैटेगरी का पहलवान है, यू सामाजिक आदमी है। सामाजिक आदमी है पहलवान, इसका जन्मजात नाम दर्ज रखा। अच्छा। काम करने वाले हैं, काम समाज सेवी आप, वो हरी लेगा लगे रहे जड़ा सारे। अच्छा जी। तो क्या उम्मीद मान के चल रहे हो? हम तो जीत मान रहे, जीत मान रहे हो। बताओ क्या नाम है जी? मैं अभिवेक मलिक है। मलिक साहब बताओ, आप तो यूथ हो कि मैं ठीक परिवार है कि? हाँ, बहुत अच्छा परिवार है जी, इनसे बहुत आशाएं हैं। अच्छा। परिवार में गांव में अच्छे काम करवाएंगे जी। अच्छा, यही है, अच्छे काम करवा देंगे? हाँ बिल्कुल जी, लाइब्रेरी युवाओं के लिए भविष्य में सभी चीजें जरूरी करवाएंगे, जरूरी करवा देंगे, पूरी उम्मीद है। भाई थाम भी बता दो किसके, क्या नाम है? सोनू। सोनू बता दे क्या चला रहे हो? अपने किसके लिए? पहलवान के लिए। किसके लिए? क्या दोगे? और भी तो है, बढ़िया है कैंडिडेट। कितना बढ़िया है? सवाक से बढ़िया है। गांव हाँ। गांव वाला के चले बढ़िया आदमी है। एक मिनट नाम बताओ। हाँ। जी रविंदर। मैं बढ़िया। अच्छा। हाँ। रविंदर रूप में बढ़िया। हाँ। तो ये बताओ जो आपकी जो पंचायत सभा वाला पन्ने वाली पहलवान लड़ रहा है, भाई इससे बढ़िया आदमी मारेगा मसैना? अच्छा। एक नंबर आदमी है, मिलनसार आदमी है और क्षत्रिय बिरादरी का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी के निष्पक्ष आदमी बिल्कुल। अच्छा, बताओ अपने आप के चुनाव में खड़ा हो गया कि ना? भाई पूरा भाईचारा क्षत्रिय बिरादरी के साथ है। क्षत्रिय बिरादरी के? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मौका मिल जाए तो काम कुम कर देगा कि नहीं? काम माधर लेन ला देंगे भाई साहब। ला देगा? हाँ बिल्कुल। आप भी बता दो क्या नाम है जी? सुनील मलिक। भाई मलिक साहब बताओ। बढ़िया आदमी है भाई। बढ़िया आदमी है? घना बढ़िया आदमी है। पहले काम कुमार के मामले में किसे हैं? ना घना बढ़िया है, बार गुर ना पसंद रहे जाए, नाड़ी नोड़ी रुक जाए जब भी। अच्छा जी। आपका क्या नाम भाई साहब? अजीत। तो क्या मानना आपका? कमल आदमी है, नरम आदमी है। अच्छा।
कितना कमल है? घना कमल है, कमल है। काम में बढ़िया रहेगा। हाँ, सामाजिक आदमी है। अच्छा, कमा की नुगार में कमल गऊ जितना शरीफ से है, काम भी नहीं कर दोगे? कर देगा। क्या बोला भाई? हाँ, बोले भाई नो बता दे, आपके सरपंच का चुनाव लड़ रहे है अमरजीत पहलवान, अरे तक ये मान के चल रहे हो, के रहेगा भाई? यो हमारे परिवार का आदमी है। अच्छा, मेरा खुद काका है। तेरा खुद काका है? हाँ, अरे बड़ी आदमी है, समाज सेवी आदमी है पहले थे भी। अच्छा, गरीब गांव ने इसका जो हमारे सती बरादरिया जो भाईचारा है, इसने हाथ लागे खड़ा कर रखा, इसने पार तारेंगे भाई, पार तारोगे? तेरा काका है, फिर गांव की जो उम्मीद है उनमें भी खरे पा जाओगे? गांव की उम्मीद दावे कती खरे पाओगे भाई? जो जीत का होगा, जो हमारे साथ के बालक है, जो बुढ़ी है, जो और बच्चे है, जो भी अड़ाग है, उम्मीद हमारे तो लगा रहा है, उस उम्मीद ने कती पूरी करेंगे। अच्छा, यूथ की बात करी जा तो जवाना की बात करी जा भाई, यूथ में क्या माहौल है? यूथ में बढ़िया माहौल है, और जो आम जो सरपंच बना बन गए, और ते जो बालक है हमारे साथ के उन तीन जम जम और जो खेल की और सुविधा है, जो सारे डाल की बढ़िया सुविधा करवाओगे भाई। अच्छा, हाँ, लाइब्रेरी वगैरह की भी? लाइब्रेरी जो मांग करेंगे ना डाक, उस मांग ना पूरी करेंगे, मतलब कुछ भी जो भी मांग होगी गाँव की, हर एक मांग ना, हर एक समस्या समाधान कर, नंबरदार है भाई, कहते सरपंच नंबरदार गाँव के मौजूद आदमी गिनती हो, नंबरदार बता। बिल्कुल जी, बहुत ही सामाजिक है और बहुत ज्यादा सामाजिक है। अच्छा, और इस पर सरपंच बनने के बाद इस पर हर एक चौराहे पे कैमरा लगवाओगे, गांव में चोरी की बहुत ज्यादा जबरदस्ती हो। अच्छा जी, ये हम इससे उम्मीद लगा रहे हैं। और इसके अलावा भाई? इसके अलावा पानी की समस्या है, जैसे गलियों की समस्या है, खेतों के रास्ते की समस्या है, ये सभी समस्या है, इस पे सरपंच बनने के बाद इस पर हल करवाऊंगे। अच्छा भाई, छत्तीस बरादरी में के माहौल दिखाई दे रहा है? नंबरदारी में इसका जी बहुत बढ़िया संपर्क है, और सबके सुख दुख में हमेशा सबके साथ।